रोज पहली नजर हर खबर। बरेली में कोरोना से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बरेली में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। भाजपा नेता की पत्नी और शामतगंज के व्यापारी समेत 6 लोगों की मौत से हड़कंप बचा हुआ है। वहीं कई पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पूर्व वित्त मंत्री, उद्योगपति, व्यापारी, डाक कर्मी, रेल कर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कर्मचारियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। बरेली में पिछले एक सप्ताह से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 20 से अधिक लोगों की कोरोना ने जान ले ली है। जिला सब विलायंस अधिकारी ACMO डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि बरेली में पिछले 24 घंटे में भाजपा नेता की 38 साल की पत्नी कामिनी अग्रवाल, शामतगंज के युवा व्यापारी 35 साल के विशाल अग्रवाल, 70 साल के काशिम कुरेशी, 70 साल के दिनेश सक्सेना, पुष्पेंद्र मौर्य, रविशंकर की कोरोना से मौत हो गई है। बरेली में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। आलम यह है कि बरेली के तीनों मेडिकल कॉलेज, 300 बेड हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, बिथरी चैनपुर स्थित कोविड हॉस्पिटल कोरोना मरीजों से फुल हो गए हैं। जो हम बरेली की बात करें तो कोरोना से हमारे जो हैं अभी तक जो है 39 लोगों की डेथ हो चुकी है, और अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 3 हमारे आज हैं, 3 कल, 6 टोटल हमारी डेथ हो चुकी है। आज की लोगों की मौत है, कौन है, कहाँ के हैं? ये एक दिनेश सक्सेना जी हैं, ये यहाँ पर किले की तरफ जो है जसोलिया वहाँ के रहने वाले हैं, और ये इनकी घर पे ही डेथ हुई है। एक पुष्पेंद्र मौर्य है जो 38 साल का है, इसकी राम मूर्ति में डेथ हुई है। और कल हमारी जो कामनी अग्रवाल जी की जो डेथ हुई थी, ये शास्त्री नगर के रहने वाली हैं, ये SRMS में भर्ती थी। तीनों की युवा व्यापारी हैं, उनकी भी मौत हुई है। विशाल अग्रवाल के 32 साल के, वो उधर के श्यामगंज के नरकुलागंज के रहने वाले थे। किस तरीके से लोगों की अंत्येष्टि कराई जा रही है, क्या कुछ? देखिए, इसके लिए वैसे तो ये है कि प्रोटोकॉल ये है कि हम उसको जो है सैनिटाइज करके और जो बॉडी कवर है उसमें रैप किया जाता है, उसके बाद फिर सैनिटाइज किया जाता है। तो बिल्कुल पूरा जो हमारा जो एक प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो है हम उसका एम्बुलेंस के द्वारा उसे ले जाते हैं। हमारे एक मेडिकल की टीम भी जाती है और प्रशासन की तरफ से भी होता है, तो जो हमारा जो प्रोटोकॉल के अनुसार उसकी अंत्येष्टि की जाती है। बरेली में पूर्व वित्त मंत्री व कैंट से भाजपा विधायक राजेश अग्रवाल, ACMO डॉक्टर रंजन गौतम, 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी, 1 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मी, 1 व्यापारी और उद्योगपति, 1 दर्जन से अधिक पत्रकार, कई न्यायालय के कर्मचारी, तहसील और कलेक्टर के कई कर्मचारी, डाक कर्मी, नगर निगम के 0.5 दर्जन कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बरेली में अब तक 1050 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि 504 लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। करीब 500 लोग अब तक सही होकर घर जा चुके हैं। जिले में अब तक सीबीगंज थाना, बिथरी चैनपुर थाना, मीरगंज थाना, फतेहगंज पश्चिमी थाने को 48 घंटे के लिए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सील किया जा चुका है। आजाद नेशन न्यूज़, पहली नजर हर खबर।